बेहद दर्दनाक हादसा हो जाता है करनाल का ये सरकारी अस्पताल ट्रॉमा सेंटर। और ठीक ट्रॉमा सेंटर के बिल्कुल सामने जो मुख्य सड़क है वहाँ पर एक ई रिक्शा गुजर रही थी जिसमें 3 सवारियाँ पीछे बैठी थी। एक बुजुर्ग सवारी जो है ई रिक्शा चालक के बिल्कुल साथ में बाजू में बैठी थी और यहीं ट्रॉमा सेंटर से एक स्पोर्ट्स बाइक पर सवार जो युवक है वो अपनी बाइक को तेज स्पीड में दौड़ाता हुआ बाहर लेकर जा रहा था और तभी ई रिक्शा और बाइक में जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार और गंभीर रहती है कि पूरी की पूरी ई रिक्शा जो है वो पलट जाती है और जो बुजुर्ग सवारी है वो हालांकि ई रिक्शा के नीचे दब जाती है। 55 से 60 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, सिरसी कैथल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ई रिक्शा चालक हमारे साथ है चमन लाल जी, एक बार जानेंगे पूरा मामला आखिर क्या कुछ है। और सबसे ज्यादा एक जो गंभीर बात है वो ये है कि उनका जो फोन है सवारी का जो मृतक है वो अनलॉक नहीं हो रहा, लॉक लगा हुआ है। बहुत मुश्किल से उनका आधार कार्ड मिलता है जिससे पता चलता है कि कैथल का पता है, कैथल के रहने वाले। एक बार चमन लाल जी से बात करते हैं। सर हादसा हुआ कैसे था? ये सर मैं बस स्टैंड से रहा यहाँ सेक्टर 12 के लिए और मैं जैसे ही मैंने ये पुराने हॉस्पिटल के पास एक सवारी उतारी और जैसे ही मैं बिल्कुल ट्रामा सेंटर के सामने आया पूरी स्पीड से बाइक आ रही थी तो उन्होंने बाइक को मेरे आगे से निकालने की कोशिश की तो वो निकल नहीं पाए और सीधी बाइक मेरी रिक्शा में ठोक दी और रिक्शा तुरंत एकदम सही मुंह दी मेरी और बुजुर्ग का ये सिर नीचे आ गया उसका। और कितनी सवारियाँ बैठी थी उसमें? 4 सवारी थी, 3 पीछे से 1 आगे थी, उनको चोट नहीं लगी, वो बिल्कुल सेफ है। तो इन सवारी के बारे में कुछ जानकारी है जो मृतक है, कुछ नाम पता? वो उनका आधार कार्ड देखा, सिरसल गांव के रहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, 60-70 साल के एज है उनकी और ये सेक्टर 12 दार थे। नाम वगैरह कुछ? नाम का तो पता नहीं है उनका। कहाँ से बिठाया था? बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड से बिठाया था। तो एक बाइक ने टक्कर मारी? हाँ, बाइक टक्कर मारी। बाइक का टक्कर मारने वाला कैंपस का ही रहने वाला है, डॉक्टर का। कल्पना चावला? हाँ नहीं, डॉक्टर का लड़का आया इनका। अच्छा, जो डॉक्टर रहते हैं? अच्छा, रेजिडेंट डॉक्टर। हाँ, इन्हीं का लड़का वो। तो क्या कम उम्र का लड़का? हाँ, था कम उम्र का लड़का है, बैठा यहीं पे। तो वो भाग गया टक्कर? नहीं, भाग गया नहीं, वो भाग रहा था, उसको फिर रिक्शा वाले ने रोक किया उनको, मतलब टक्कर मार के भाग रहा है। हाँ। फिर वापस आया, फिर मैंने उनको उठाया, इनको मृतक को अंदर ले गया था, उनको वो मृतक घोषित कर दिया। तो वो लड़का अभी यहीं पे? हाँ, यहीं पे बैठा है, यहीं पे अंदर अंदर ही। हाँ, अस्पताल में ही है। हालांकि अभी कुछ ज्यादा जानकारी मृतक नहीं मिली? नहीं, अभी ज्यादा नहीं मिली। उनके पास फोन, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, उनके फोन कर दिए, अभी आने वाले हैं वो, जो भी आएंगे घर से उनके। 3 सवारियां पीछे बैठी थी, सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है, मतलब बिल्कुल सेफ है। हाँ, वो अपने घर से लेगी। आपको भी चोट? हाँ, चोट लगी मेरी यहाँ पे, चोट लगी पूरी बाजू पे, खोए पे, पूरी यहाँ पे। देखिए, अपने आप में बेहद ही गंभीर मामला ये कहीं ना कहीं ज़रूर है कि एक 55 से 60 वर्षीय बुजुर्ग सवारी पुराने बस स्टैंड करनाल से ई रिक्शा में बैठती है और उसके बाद उनको सेक्टर 12 कोर्ट की ओर जाना था और तभी ई रिक्शा में पीछे 4 सवारियां थी। एक सवारी को जो ई रिक्शा चालक है वो ट्रोमा के यहाँ सरकारी अस्पताल के बाहर उतारते हैं, उसके बाद अचानक से एक तेज़ स्पीड में बाइक, यही जो ट्रोमा का दरवाज़ा है यहीं से गेट से बाहर निकलता है, तेज़ स्पीड में काफ़ी ज़्यादा थी बाइक और वो अचानक से ई रिक्शा में एक टक्कर हो जाती है और इतनी जबरदस्त टक्कर की पूरी ई रिक्शा पलट जाती है। जो बुजुर्ग सवारी ठीक ई रिक्शा चालक के आगे बैठी हुई थी साथ में वो नीचे दब जाती है, सर जो है वो ई रिक्शा के नीचे दब जाता है, खूनम खून हो जाते हैं, खून से लथपथ और उसके बाद यहाँ पर सरकारी अस्पताल ट्रोमा में ई रिक्शा चालक के द्वारा लेकर आया जाता है लेकिन वो व्यक्ति बच नहीं पाता, डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है और जो बाइक चालक था वो मौके से टक्कर मार के फरार होने का प्रयास करता है लेकिन आसपास के जो मार्केट के लोग थे उनके द्वारा उसको रोक लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। हालांकि जो बाइक सवार लड़का है वो भी इस वक्त अंदर जरूर मौजूद है और जाहिर सी बात है कि क्योंकि मैंने बोला फोन जो है मृतक का वो लॉक है, अनलॉक नहीं हो पा रहा है, तो वहीं से कहीं उनके घर वालों के नंबर होंगे, वहीं से अता पता सामने आएगा। हालांकि आधार कार्ड उनकी जेब में ही था जी? जेब में था। डॉक्टर साहब ने देखा, गाँव का, गाँव सिरसल गाँव का रहने वाला हो, कैथल के पास, कैथल के पास सिरसल गांव के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैतराज माँ के जरूर जो डॉक्टर हैं वो उनके घर तक फोन करेंगे, उनके घर परिवार वालों से संपर्क साधा जाएगा और उसके बाद जल्दी उनके घर से कोई आएगा और उसी के बाद जो भी आगे की कार्रवाई रहेगी, कानूनी कार्रवाई, वो उनके परिवार के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन अपने आप में बेहद दुखद मामला ये है कि बुजुर्ग व्यक्ति 55 से 60 वर्ष उस व्यक्ति की उम्र है और आप खुद सोचिए उसके बच्चे भी होंगे, हो सकता है कई बार कि वो अकेला घर का कमाने वाला हो, शायद अकेला ऐसा व्यक्ति हो जो घर का
गुजर बसर देखता हूँ, ना जाने घर में कौन है कौन नहीं है, कैथल का रहने वाला है, यहाँ पे कोर्ट के लिए आया था, क्या यहाँ पे काम करता था या किसी जो है कागजी कार्रवाई के लिए यहाँ पर पहुँचा था। जो भी पूरा मामला है वो तो तभी स्पष्ट हो पाएगा जब परिवार से कोई यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन ट्रोमा सेंटर के ठीक सामने मुख्य सड़क पर ज़बरदस्त हादसा हुआ है। अक्सर हम हमेशा आपसे अपील करते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा यही चीज़ बोलता है, एक ही चीज़ पर हमेशा ध्यान केंद्रित करने की अपील करता है कि जब भी आप वाहन चला रहे हैं आप केवल अपनी इकलौती जान के जिम्मेदार नहीं होते हैं, तमाम जो वाहन चालक है, तमाम जो पैदल यात्री उस वक्त सड़क पर मौजूद है, सबकी जान की जिम्मेदारी आपके हाथ में आपकी सूझबूझ पर आ जाती है। स्पीड को उतना ही करें अपने वाहन की कि अचानक से प्रतिकूल कोई विपरीत परिस्थिति बने, ऐसी कोई स्थिति एकदम से उजागर हो जाए, आप ब्रेक लगाएं तो आपका वाहन असंतुलित ना हो। अब इनका कहना है, आरोप है कि बाइक चालक की बाइक की स्पीड बेहद ज़्यादा थी और ऐसे में जब ई रिक्शा सामने रुकी हुई थी उसने प्रयास किया ओवरटेक करने का, लेकिन ई रिक्शा भी धीरे धीरे चलना शुरू करती है और ज़ोरदार टक्कर इतनी घमासान की पूरी ई रिक्शा पलट जाती है। और पलटने के बाद जो ई रिक्शा चालक के ठीक साथ में 55 से 60 वर्षीय कैथल के सिरसल गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति बैठा था, सवारी बैठी थी, उसका सर पूरा का पूरा दब जाता है, पूरा का पूरा नीचे आ जाता है पलटी हुई रिक्शा के, खून से लथपथ हो जाता है, जिसके बाद सूझबूझ का परिचय देते हुए ई रिक्शा चालक सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले जो पीड़ित है उसको ट्रॉमा सेंटर लेकर आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसी के सामने सड़क पर हादसा हुआ था, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। वो व्यक्ति की जान नहीं बच पाती और बाइक चालक मौके से फरार होने का प्रयास करता है, लेकिन उसको भी आसपास के लोगों के द्वारा रोक लिया जाता है। ई रिक्शा चालक भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ जो बाइक चालक है वो भी बताया जा रहा है अंदर इंतजार कर रहा है, वो भी अंदर मौजूद है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, अगर उनसे भी बातचीत हो पाए, उनका पक्ष भी हम जान पाए तो उनका पक्ष भी आप तक साझा जरूर करेंगे। लेकिन तीन सवारियां पीछे बैठी हुई थी, एक को यहाँ पे उतार दिया गया था, उसे सरकारी अस्पताल जाना था, वो तीन में से एक बताया जा रहा है लेडी है, दो जो है लड़के बताया जा रहे हैं, हालांकि वो सुरक्षित जरूर है, गनीमत है, उनकी जान बच जाती। रिक्शा चालक को काफ़ी खरोचे, काफ़ी गहरी चोटें जरूर आई है, लेकिन गनीमत है, जान बच जाती। लेकिन एक व्यक्ति जो है बेहद ही दुखद घटना, बेहद ही दर्दनाक हादसा, वो व्यक्ति नहीं बच पाता है। फ़ोन भी लॉक है, फ़ोन को अनलॉक करना भी संभव डॉक्टरों के लिए नहीं हो पा रहा है, वो तो जाहिर है। सूझबूझ का परिचय एक बार फिर से रिक्शा चालक ने दिया और आधार कार्ड उनका शायद नीचे गिर गया होगा, आधार कार्ड डॉक्टर तक पहुंचाया गया, जिसके बाद पता चला कि कैथल के सिरसल गांव के रहने वाले, हालांकि किसी ना किसी तरीके से ज़रूर जो है या तो पुलिस की मदद लेकर या डॉक्टर जैसे भी संपर्क साधेंगे परिवार वालों से, और जल्दी ही परिवार यहाँ पर पहुँचेगा और फिर जब परिवार के समक्ष पूरा मामला आएगा तो उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे कानूनन कार्रवाई चाहते हैं या किस तरीके की कार्रवाई की मांग जो है वो प्रशासन से करते हैं। लेकिन आप लोग जब भी सड़क पर हैं यातायात नियमों का सजगता से सतर्कता से पालन कीजिए, ज़रा सी नज़रअंदाजी और बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। लगभग 3 से 4 दिनों से आपको ऐसे हादसों की खबरें दिखा रहे हैं जो छोटे मोटे नहीं होते, जिसमें किसी ना किसी के घर के व्यक्ति की जान जो है वो चली जाती है, और आज फिर से हो सकता है उनके बच्चे भी होंगे, बेटों ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया होगा। इसलिए जब भी आप सड़क पर हैं सतर्क रहिए, सावधानी बरत्या कीजिए। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।